लेकिन एक बड़ा प्रश्न उठता है, महाराज जी इतनी कथाएं सुन रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ है, क्या कथा सुनने से पूंछ निकलती है या सींग निकलते हैं? कथा सुनने से ना तो पूंछ निकलती ना सींग निकलते, कथा सुनने तो सुनने से तो ज्ञान की आंखें खुलती। महाराज इतनी पूजा कर ली हनुमान जी की, इतनी भक्ति कर ली, आज तक हलवा नहीं हुआ ठटरी के बरे। क्यों नहीं हुआ, कारण तो सुन। एक बार एक गांव में तीन कुत्ता लड़कर के कुआं में गिर गए नरसिंहपुर में। कितने कुत्ते? तीन। तीन कुत्ते लड़कर के गिर गए के मर गए कुआं में। नरसिंहपुर वाले हमारे पास आए, गुरुजी बड़ी दुर्गंध आ रही, कुआं में तीन कुत्ते मर गए। हमका कोई बात नहीं, गंगा जल डालो, पानी निकाल दो, सब चीजें निकाल के बाहर करो, पानी निकाल दो, पंप चला दो, गंगा जल डाल दो, थोड़ा अगरबत्ती पूजा कर दो, शुद्ध है, जल में दोष नहीं होता। एक महीना बाद नरसिंहपुर वाले फिर हमारे पास आए, गुरुजी अभी भी दुर्गंध नहीं गई यार, हमें लगा इनके दिमाग में दुर्गंध है। एक काम करो, इत्र डालो, थोड़ा गुलाब जल डालो, अगरबत्ती करो, सत्यनारायण की कथा करवाओ, शुद्ध है, पानी में जल में कोई दोष नहीं। दो महीना बाद नरसिंहपुर वाले फिर आए, गुरुजी अभी भी कुआं की दुर्गंध नहीं गई। हमने कहा पानी निकाल दिया पूरा? हाँ महाराज, जल डाल लिया, गुलाब जल डाला, गंगा जल डाला, दो दो बार डाला, अगरबत्ती लगाई, दिया जलाया, घी डाला, महाराज दुर्गंध नहीं गई। हमने कहा एक बात बताओ, तुमने कुत्ता निकाली? नरसिंहपुर वाले, गुरुजी वो तो तुमने कही नहीं थी, वो तो ज्यों के त्यों पड़े। हमका तुम्हारी ठटरी भर न कटा हरो। बाद में पता लगा कि कुत्ते गल गए बेचारे, हाथ पांव अलग हो गए, खाल फूल गई, कुत्ते निकाले नहीं है, उपाय पूरे कर रहे हैं, अब कहां से दुर्गंध चली जाए। उसी प्रकार हम लोग पूजा तो करते हैं, पर शरीर रूपी जिले में, मन रूपी कुआं में तीन कुत्ते कौन से? काम रूपी कुत्ता, क्रोध रूपी कुत्ता, अहंकार रूपी कुत्ता पड़ा है। हम लोग इस तीन कुत्तों को निकालते नहीं है, कथा को सुनते रहते हैं, इसलिए कथा काम नहीं करती है। कथा कब काम करेगी? जब तुम ये तीन कुत्ते पहले बाहर निकालो। ये तीन कुत्ते कौन से हैं? काम रूपी कुत्ता। ये काम क्या है? वासनाओं का कुत्ता। महाराज वासनाएं क्या है? हिंदी बताओ, शुद्ध बुंदेली बताओ। अरे भैया वासनाओं का मतलब है कामनाएं। ये भी एक कुत्ता है, जिसके पास गाड़ी है वो सोच रहा कार ले जाए, जिन पे कार है वो सोच रहे फॉर्चूनर ले जाए, जिन पे फॉर्चूनर है वे लैंड रोवर के सपने देख रहे, रेंज रोवर के, जिन पे रेंज रोवर है वे देख रहे बीएमडब्ल्यू हो जाए, जिनके बीएमडब्ल्यू है वे सोच रहे फरारी और आ जाए, जिन पे फरारी है वे सोच रहा है एक ठैया हेलीकॉप्टर हो जाए, जिनके हेलीकॉप्टर हैं वे चार्टर्ड के सपने देख रहे, जिनके चार्टर्ड हैं वे अमेरिका में मकान लेने के सपने देख रहे, जिनके मकान अमेरिका में भी है वे व्हाइट हाउस खरीदना चाह रहे, और जिनके व्हाइट हाउस में भी कुछ व्यवस्था है वो चांद की जमीन खरीदने के चक्कर में। कामनाएं हैं ये कभी मरती नहीं है। माया मरी ना मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी। तो पहला कुत्ता काम का, दूसरा कुत्ता लोभ का, लोभ बड़ा बड़ा है, तीसरा कुत्ता अहंकार का। अभी कोई नेताजी या कोई बहुत बड़े अधिकारी आ जाए, उन्हें कुर्सी ना मिले तो तुरंत उनका दिमाग फूट जाएगा। हमें नहीं पूछा, अरे होंगे तुरंत सुनाएंगे, अरे अजय लोधी होंगे अपने आप में, हमें नहीं पूछा, हमसे राम राम नहीं किया, बने रहने दो। तुरंत उनकी श्रद्धा ऐसे फट जाएगी जैसे तरबूज फट जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अभी कोई बहुत बड़े नामचीन महात्मा आ जाए और हम उनको हाथ ना जोड़े तो उनका पूरी कथा में मन नहीं लगेगा, वो पूरी पूरी कथा में यही सोचेंगे होंगे बड़े वक्ता पर हमारी तरफ देखे ही नहीं है, हमारा नाम ही नहीं लिए।
भैया ये अहंकार बड़ा खतरनाक है, ये अहंकार जाता नहीं है। उपाय क्या है? अहम के कुत्ते को हटाने का एक ही उपाय है, जो भी तुम करो उसे अपना मत मानो, हम जो कर रहे हैं प्रभु हमसे करवा रही है। कौन करवा रहा है बोलो? करने का अगर भाव आएगा तो अभिमान आएगा, और प्रभु करवा रहे हैं ऐसा भाव आएगा तो तुम्हारे द्वार पर भगवान आएगा।